नमस्कार, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर के साथ हाजिर हूँ। ये आज की व्यवस्था है, ये कल से की गई है। आज दिखाना क्यों चाहता हूँ इसे समझिए। ये जो सड़क है ये दिल्ली से इधर आने वक्त की सड़क है, वसुंधरा, वैशाली, मोहन नगर, इंदिरापुरम। अभी जो व्यवस्था की गई है कि वहां से कोई पैदल भी नहीं आ सकता। ऊपर की सड़क बंद है। दिल्ली जाने वाले जो सड़क है एक्सप्रेसवे का, वो हिस्सा जो दिल्ली जाता है, वहां किसान बैठे हैं, वहां धरना चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली से आने वाली सड़क है उसे किसानों ने नहीं बंद किया है, उसे पुलिस ने बंद कर रखा है। अब एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये सड़क आगे जाती है जो डाबर, उसके बाद आनंद विहार होके जाती है। पूरा लोड जो है उस सड़क पर है और वहां पर केवल एक गाड़ी निकलने का रास्ता है। नतीजा ये हुआ है कि उस सड़क पर भारी जाम लगा हुआ है। एक बात और मैं बताऊं, बीच में एक रास्ता है जो कई बार लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसी अति आवश्यक काम के लिए, EDM मॉल के पास से। सामान्यतया जब से किसान आंदोलन चल रहा था उस रास्ते का लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसे भी बंद कर दिया गया है। ये बगल में मुर्गा मंडी के होकर रास्ता जो दिल्ली जाने वाला था, आज उसे भी बंद कर दिया गया है। गाड़ियों के लिए बंद है, बात समझ में आती है, लेकिन पैदल इंसान, महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया है। इधर से अगर एम्बुलेंस को जाना है वो नहीं जा सकता। कहेंगे कि रास्ता हमने दिया है आनंद विहार से होके जाने के लिए और वहां पर आपको 5 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट ऐसा है जिसको तत्काल मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो वो पुलिस के इस बंदोबस्त के चलते मर जाएगा। जब कोई आंदोलन होता है तो अतिरिक्त व्यवस्था आम आदमी को न हो इसके लिए करने की जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन की होती है। यहां पर जो अव्यवस्था किसानों ने की है उससे ज्यादा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश हो रही है। माफ कीजिएगा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं समझ रहा हूं सुबह 2 घंटा ये समझने के लिए कि दिल्ली से कोई आना चाहता है इधर तो कैसे आएगा, तो इधर से नहीं आ सकता है, उसे पूरा नोएडा घूम के आना पड़ेगा। और मैं रास्ते में लोगों से बात किया, उस समय बात समझ में आई कि लोगों को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है, ताकि सिंघू बॉर्डर पर जो स्थिति आई थी, स्थानीय लोग आ गए थे किसानों के खिलाफ, तो यहाँ पर वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, मोहन नगर के इलाके के इतने जितने लोग हैं जो दिक्कत हो रही है, फ्रस्ट्रेट होंगे इस तरह की व्यवस्था से, और इस बात, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो लोग निकल के आए और किसानों पर पत्थरबाजी करें, क्योंकि सबको दिल्ली में नौकरी करने जाना होता है, न दिल्ली में जाने की व्यवस्था है और न दिल्ली से वापस आने की व्यवस्था है। और अगर ऐसा होगा तो बाद में कहा यह जाएगा कि स्थानीय लोग परेशान होकर किसानों के खिलाफ आक्रोशित हैं। लेकिन यह समझने वाली बात है कि इस तरह की परिस्थिति, इस तरह का माहौल बनाने के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है। कैमरामैन साहिल के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24।